चोरी के साथ साथ पहलवानी भी करे के? ये क्या कर रहे हैं आप? लेडी चोर जी, मेरा मतलब है तो मेरे 4 बजे आप यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हैं? कीर्तन, मतलब मुझे भूख लगी थी, मुझे आपको उठाना ही था तो सोचा कि आके कुछ खुद ही बना देती हूँ। तो मेरे 4 बजे किसको भूख लगती है? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो डॉक्टर हो गए, मैं नहीं समझूंगा। अजी ये रात को ना कम खाना चाहिए, लेकिन खाना जरूर चाहिए, अगर ना खाए ना तो एसिड बन जाता है पेट में बहुत सारा। नहीं नहीं, वो वाला खाना नहीं, मैं तो जी डॉक्टर की बात सुनने के लिए होती है, सुनाने के लिए नहीं। रात को खाना ना खाने से गैस्ट्रिक इश्यू जाते हैं। आज करवा चौथ है। हाँ तो करवा चौथ का तो मेरे 4 बजे बर्तनों से के लेना देना। करवा चौथ के दिन सुबह सुबह सरगी खाते हैं। सरगी? मैडम जी अपना सारा खाना मैं बनाता हूँ, धनिया से लेके पालक से लेके कद्दू तक सबका नाम सुना, बट ये सरगी नाम की सब्जी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, सरगी सब्जी नहीं है, सेवियां होती है, मीठी सेवियां जैसी, हर सास दूध में डालकर मिठाई और फ्रूट्स के साथ अपनी बहू को देते हैं। अब ना ही मेरी सास है और ना ही सरगी, तो मैंने सोचा कुछ मीठा खुद ही बना लेती हूँ। जाट के घर में हो मैडम जी, ना उम्मीद तो ना होने दूंगा। नहीं नहीं, लेकिन आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं बना लूंगी। ना 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 ना, ना। रुको रुको, एक मिनट एक मिनट जी, रुकिए तो। ये लीजिए, ये हो गया फ्रूट और ये हो गई मिठाई। हाँ, क्या रह गया? रोटी जी, वो तो मैं 2 मिनट में बना दूंगा, रोज बनाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? मैं बना लेती हूँ। अरे रुकिए, बन गया, चलो देख। हाँ, और थूस थूस के खाएं, नहीं तो फिर 4 घंटे बाद बोलेगी मैंने भूख लग रही। सर काम की ना काज की, राई सीरा नाच की। मैंने सुना है सासे अपनी बहू से ऐसे ही बात करती है, अब तो आपकी सरगी और सासू दोनों की कमी पूरी होगी ना। थैंक यू। अरे थैंक मत ना बोल, चल रोटी खाने पे ध्यान दे, कल से सारे काम तुझे करने, झाड़ू पोछा रोटी बर्तन सब कुछ सासू में तेरी। जी मैंने ये सास वाला करेक्टर कुछ ज्यादा नहीं प्ले कर दिया, चलिए अब तो खा लीजिए। अरे यार मैडम जी, आप इकलौती ऐसी लड़की हैं जो मेरे होते हुए भी रोती है, नहीं तो मेरे अस्पताल वालों ने तो मुझे मस्कारा बना रखा है। आते हैं और कहते हैं साहब जी, वो 11 नंबर वाले बेड वाले लड़की के चेहरे पे 12 बजे हुए, चलिए। मेरे जाते ही वो पेशेंट मुस्कुराने लग जाता। ना जी ना, हंसी पे कंट्रोल ना करो, हंसी पे ना कोई टैक्स नहीं है। चलिए अब तो अपना वो करवा चौथ मना लीजिए। जी पुराना माने तो एक बात पूछूं, अगर आप अपने उसके साथ होती तो क्या करती? यार प्रगति, तुम हद करती हो यार, देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम व्रत नहीं रखोगी बस। क्यों यार? यार ना ये भगवान की थ्योरी है ना किसी इंसान की थ्योरी है, व्रत रखना ठीक ही नहीं है। रघुवीर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कि मेरा पहला करवा चौथ है इसलिए मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि भगवान नहीं चाहते कि हम पूरा दिन भूखे रहें, लेकिन ये एक स्पेशल फीलिंग है, प्यार है। आपको पता है जब एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है ना, तो उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है, और ये सिर्फ एक औरत समझ सकती है। और ये सब मैं आपकी लंबी उम्र के लिए तो कर रही हूँ, और उसके लिए पूरे दिन व्रत तो रखना पड़ेगा ना। आपको पता है जब एक औरत अपने पति के लिए व्रत रखती है ना, तो यमराज को भी हरा देती है। रघुवीर, इससे मेरी आस्था जुड़ी हुई है। और तुमसे मेरी सांस है, तो अगर ये व्रत तुम रखोगी तो मैं भी रखूंगा। नहीं 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 रघुवीर, आप नहीं रख सकते,
पूरा दिन भूखे रहना पड़ेगा और आप पानी तक नहीं पी सकते, आप कैसे व्रत रखेंगे? भाई भारतीय नारी ने ठेका ले रखा है क्या सारे त्याग करने का? भारतीय नर भी कर सकते हैं, और मैं सिर्फ नर ही नहीं तुम्हारा वर भी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। आप अगर रखेंगे तो हम दोनों रखेंगे, वरना कोई भी नहीं, समझ में आया? ओ मैडम जी, ऐसे अपनी दुनिया में खुब ना जाया करो, डर लगता है आपको देख के। अब खाना ठंडा करके खाएगी कल मुई, चल शुरू हो जा। वैसे सासों को भी कितना मजा आता होगा ना अपनी बहुओं को ऐसे डांट के। मजाक कर रहा हूँ जी, आप खाओ। अरे हम सब की थालियां तो यहाँ है, तुम लोग ये थालियां किसके लिए लाई हो? वो मैं अपने वाले के लिए व्रत रखती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्रिया का तो समझ आता है, तुम्हारा खोने वाला कौन है शिफाली? मुझे जो भी मिले बस अच्छा मिले, बस उसी के लिए रख रही हूँ। वो दो दो महीने के बाद चॉकलेट खाती है, व्रत कैसे रखेगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना मॉम। डर मत शिफाली, तुझे अभी जितना खाना है ना खा ले, फिर सारे दिन तुझे भूख नहीं लगेगी। अच्छा आइडिया है। अगर प्रगति यहाँ होती तो इस घर में उसकी पहली सरगी होती। पहली सरगी वाली ने एक बार भी फोन नहीं किया और ये नहीं पूछा कि रघुवीर कैसा है। सीरियसली उसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? पता नहीं भाभी कहाँ चली गई हैं, उनके बिना इस घर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्रगति मल्होत्रा आप हैं जी? ये आपका पार्सल, यहाँ पे साइन कर दीजिए मैडम प्लीज। थैंक यू। ये किसने दिया होगा? तुम्हारे घर वालों ने तो कुछ भेजा नहीं होगा, पर तुम्हारी सास तुम्हें करवा चौथ का गिफ्ट भेज रही है कि कहीं तुम लोगों से जो ना कह दो कि तुम्हारी सास कंजूस है। मुस्कुरा रही हो तो सारी अच्छी है, मुंह बना रही हो तो घटिया, लेकिन जैसी भी है पहन लो, बहू के नखरे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी खड़ूस सास। मार्केट से लेने गया था गर्म पानी, आधे घंटे से वेट करो। रघुवीर मैं मानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी अहमियत है आज करवा चौथ का व्रत है बेटा। कम से कम फोन करके ये तो पता लगा लो कि प्रगति कहाँ है और किस हाल में है वो। अगर गुलशन भाई साहब यहाँ होते तो मैं खुद फोन करके पता लगाती कि प्रगति कहाँ है। काश मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा होता तो शायद मेरे प्यार की भी लंबी उम्र होती। पानी रखा है, पी ले। रख लो एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत, जिसका चौथा तय है उसे तो मरना ही होगा।
मिसेज रघुबीर मल्होत्रा, एक बात बताइए। आफ्टर व्रत एक अच्छी सी डेट हो जाए? नहीं। देन लॉन्ग ड्राइव? नहीं। पर कहाँ जाना है तुम ही बता दो। बता दो? मंदिर। हे भगवान, मंदिर में कोई डेट मारने जाता है? वहां पे आके पंडित हमसे पूछेगा क्या लेंगे आप, नारियल का प्रसाद या लड्डू का प्रसाद? रघुबीर, हम डेट पे तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आज हम मंदिर ही जाएंगे क्योंकि मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। भगवान ने कौन सा गिफ्ट दिया तुम्हें? दिया है ना आप, और आपसे जुड़ी ये प्यारी सी लाइफ। बहुत बटरिंग नहीं होगी? इस बटरिंग की बात तो मना नहीं कर सकता। ओके देन, मंदिर इट इज। मंदिर? रघुबीर ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मंदिर लेकर जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि वो मंदिर जरूर आएंगे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो चांद देखने के बाद सबसे पहले मैं उनका चेहरा ही देखूंगी। देख ले प्रगति को, जी भर के देख ले। प्रगति, प्रगति वो क्यों आई? वो तो सोचती है कि तू ही है जिसने उसकी फोटो पे हार चढ़ाया था। वो तेरे लिए फूलों की माला लेके थोड़ी खड़ी हुई। हाय माता रानी, व्हाट्स अप? ऑल गुड, आई एम कमिंग। चूज वन थिंग। नमस्ते। एक्चुअली बात करना चाहता था। कर सकता हूँ, टाइम हो तो। एक्चुअली मैंने ना थोड़ी टिकाए, प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई, एडजस्ट कर लेना एक्चुअली। तो क्या कह रहा था मैं, आपसे एक्चुअली एक बात करना चाहता था। मानता वानता नहीं था आपको, जब तक बाड़ी जिंदगी में नहीं आई थी ना तब तक कभी नहीं। बाड़ी के जिंदगी में आने के बाद मैं आपको मानना शुरू किया। लगा था लाइफ सेट हो जाएगी, अब सब ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, बस खुश था, अच्छे से जी रहा था। लेकिन आपको प्रॉब्लम है ना कुछ मुझसे, मेरी खुशी से अपने पानी सी इंसान हूँ, फिर से प्यार हो गया, वैसे ही जैसे पानी से हुआ था। फिर लगने लगा कि अब सब एकदम, अब कुछ नहीं होगा, अब तो मैं अच्छे से जीऊँ। लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया, फिर भी आपको लगा कि नहीं नहीं साले को। लेकिन इस बार मरा था मैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की अर्थी उठ से देखी नहीं, पर इस बार हर रोज अपनी अर्थी उठते देखता रहा। लेकिन आपको मजा आता था, वही गेम रिपीट, लिव लव डेथ, लिव लव डेथ, वही करता रहा। नहीं मिला था ये सारे गेम खेलने के लिए, एक ही आदमी मिलता है ना एंटरटेनमेंट के लिए। भैया प्लीज तेज चलाओ ना। अरे मैडम ये फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है, इससे ज्यादा स्पीड में चलाऊंगा ना या तो गाड़ी का इंजन बढ़ जाएगा या तो ओवर स्पीड का चलान कट जाएगा। अच्छा भैया कोई कोई शॉर्टकट होगा ना बोले लीजिए। देखिए कोई इंतजार कर रहा है मेरा, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज जल्दी चलाइए। अरे तो बाद में मिल लेना मैडम, क्या इतना टेंशन ले रही है? अगर आज रघुबीर नहीं मिले तो शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या गलती मेरी, जब मेरे प्यार में कभी नहीं थी तो उसके भरोसे में कैसे कभी आ गई? कैसे वो सोच सकती है कि मैंने उसको मारा होगा जिसको मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। उसके लिए कुछ भी कर सकता था मैं, उसको मेरे प्यार की कदर नहीं थी, और एक बार नहीं दो बार छोड़ के गई। वैसे वैसे ही पक्की असिस्टेंट थी आपकी,
दिल दुखा कर नहीं, दिल तोड़ के गई।